हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड क्रिकेट गेमिंग। तो एक कमेंट आया था हमारा कि वो वर्ल्ड क्रिकेट गेमिंग, वो इसमें पेट एवोल्यूशन में पोकेमोन स्टार लेवल कैसे बढ़ाएं। तो पोकेमोन स्टार, इस पूरी वीडियो को में मैं ये बताऊंगा कि पोकेमोन स्टार लेवल कैसे बढ़ाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली बात आती है यहाँ पे जो है इंफॉर्मेशन, इवोल्यूशन, मूव्स, टायर, रैंक और आईवी, ये सब आपको आता है। और आपको शुरुआत में जो खुला हुआ होता है इंफॉर्मेशन होता है, इवोल्व होता है, मूव्स और टायर खुला हुआ होता है आपका, लेकिन आपका रैंक और आईवी नहीं खुला हुआ होता। आईवी खोलने के लिए लेवल्स वो शायद 20 प्लस मांगते हैं, अब मैं भूल चुका हूँ। लेकिन रैंक पहले बात करते हैं इवोल्व की। जैसे कि हमें इवोल्व करना है कोई सा पोकेमोन, तो हम चूज़ करते हैं पहले कि कौन सा पोकेमोन इवोल्व करना है। जैसे कि हमें वो, हम इवोल्व नहीं बता सकते क्योंकि हमने बहुत सारे पोकेमोन इवोल्व कर लिए हैं। ये कमेंट पढ़ने से पहले ही मैंने इवोल्व कर लिए थे पोकेमोन्स, लेकिन आपको ये बता देंगे कि स्टार लेवल कैसे बढ़ती है। तो चलिए हम चूज़ करते हैं कि कौन सा पोकेमोन हमें वो करना है। एक तो हम लेते हैं ये निडोरीना, और एक फ्लैफी, और एक हमारा ये है पिजियोट, और कौन सा पोकेमोन लें, और कोई सा पोकेमोन लें या नहीं। एपोम ले लेते हैं, फट चेट को रहन देते हैं। एपोम लेने के बाद अब हम लेते हैं किसे, जी हम ले लेते हैं अब कौन सा पोकेमोन ले, कौन सा। चलिए हमारी नाइन टेल्स थी, यहाँ पर हम नाइन टेल्स को लेते हैं। तो वो मैंने इवोल्व तो कर लिया, लेकिन आपको स्टार लेवल बढ़ा देंगे हम कैसे। ये हमारे पोकेमोन हैं। अब सबसे पहले हम बताते हैं कि आपको पोकेमोन इवोल्व कर, वो अगर किसी की स्टार लेवल 2 मांगता है, जैसे कि रोजेलिया की मांग रहा है, निडोरीना की भी मांग रहा है, फ्लैफी की भी स्टार लेवल 2 मांग रहा है, लेकिन मेरे पास 1 स्टार लेवल 1 का है। पिजोट मैंने इवोल्व कर लिया था, लेकिन हमें आप, और ऐसी एपोम की स्टार लेवल 2 मांग रहा है एम बी पोम बनाने के लिए। वैसे नाइन टेल्स का कोई वो है नहीं, लेकिन वल्फिक्स को स्टार लेवल 2 मांगता है। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले। तो आईवी से आपको ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं इसमें, इसमें पड़ता है रैंक से। रैंक ये आपका ओपन नहीं होगा शुरुआत में, आपके लिए ये मांगेगा लेवल 35। और अब हम बताते हैं लेवल 35 क्या है। जैसे कि ये हमारी ये है एक्सपीरियंस, ये एक्सपीरियंस फुल होने के बाद फिर एक लेवल बढ़ती है, मेरी लेवल 43 है। वैसे ही आपको अपने ट्रेनर लेवल, इसे ट्रेनर लेवल कहते हैं, आपको अपनी ट्रेनर लेवल 35 करनी होगी। ट्रेनर लेवल 35 होते ही आपका यहाँ पे ये रैंक खुल जाएगा। रैंक खुल गया तो जैसे कि अब हमारे पास है फ्लैफी, पिजियोट, ये सब। अब इन्हें बताते हैं कैसे करना है। जैसे कि निडोरीना है, अब हमें इसे इवोल्व कैसे करें, हम पे ना ही शार्ट्स है ना ही कुछ है ऐसी फली, वो फ्लैफी का भी मेरे पे है तो, लेकिन मान लेते नहीं है ऐसी किसी पोकेमोन का नहीं है। तो हम यहाँ पर आएंगे स्टोरेज में, जहाँ पर हमारे सारे पोकेमोन हैं, वहाँ पर हम जाएंगे रिलीज़ में। रिलीज़ में जाने के बाद हमें जौन सा पोकेमोन की स्टार लेवल बढ़ानी है, वैसे ही जो हमारे एक्स्ट्रा पोकेमोन हैं उसी में के उन्हें हम रिलीज़ कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास एपोम 2 है, दोनों रिलीज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे हमारे पास फ्लैफी भी 2 है, हमें ज़रूरत नहीं है इसलिए हम उसे रिलीज़ कर रहे हैं। और इसी प्रकार और कौन से पोकेमोन्स हैं हमारे, कौन से थे, अब तो कोई से दिख नहीं रहे हैं। चलो हाँ, निडोरीना के लिए निडोरेन भी चलेगा, क्योंकि वो हमारे, हमें कोई सा भी पोकेमोन चलेगा, हमारे हमें जौन सा पोकेमोन है उससे नीचे वाला या फिर उस वही पोकेमोन चाहिए वो बनाने के लिए। जैसे कि ये हमारे पिजी हैं, ये पिजी, इन्हें अब हम रिलीज़ कर रहे हैं जिनसे हमें ये शार्ट्स मिल रहे हैं, 16 MB एपोम के, 16 फ्लैफी के, 10 निडोरेना के और 10-15 पिजी के। अब इन्हें हमने रिलीज़ कर दिया, अब ये हमारे पास नहीं रहेंगे पोकेमोन। ये पोकेमोन होगा अब हमारे रिलीज़। अब इन्हें पहले कलेक्ट होने दीजिए, ये कलेक्ट हो गए। अब हम वापस आते हैं
रैंक पे आ गए। तो हमारा ये था, जैसे कि हमने इसे रिलीज़ करा, ये तीन उसमें इवॉल्व होता है। हम पे नीडो रीना है, नीडो रेन हमने रिलीज़ कर दिया, नीडो क्वीन बनाना है हमें, उसके लिए दो स्टार लेवल चाहिए। लेकिन हमारे पास अगर नीडो क्वीन का शार्ड है, हम इसे इसकी स्टार लेवल नहीं बढ़ा सकते, हम केवल नीडो रीना और नीडो रेन की स्टार लेवल बढ़ा सकते हैं, उससे शार्ड से केवल बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये केवल वो ही वाला पोकेमोन का शार्ड और उससे नीचे जो इवोल्व, उससे नीचे जो था उसका शार्ड मांगता है, उसका वो जिसमें इवोल्व होगा उसका शार्ड इसे नहीं चलेगा। अब चलिए हम रैंक बढ़ाते हैं, जैसे कि ये 250 है, ये मेरी 160 ही रह गई, लेकिन 250 पूरी होते ही मेरी एक स्टार लेवल बढ़ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने इनकी स्टार लेवल बहुत बढ़ा ली थी बहुत सौ की, जिस वजह से मैं बता नहीं पा रहा सही से, स्टार लेवल बढ़ा नहीं पा रहा। चलो इसकी बढ़ाते हैं, ये देखिए अब 250 हो गई, इसकी स्टार लेवल अब 2 हो जाएगी, देख लेना। देखिए अब स्टार लेवल इसकी 2 हो गई इसी, और इसी प्रकार अब हमें 500 चाहिए इसके, लेकिन अब इसका हमारे पास कन्फर्म वो हो चुका है, तब ये आ चुका। अब लेवल कौन सी मांग रहा है, 35। अगर हमने इसे लेवल 35 का कर लिया तो हम इसे एम्पोरस में विकसित कर सकते हैं। अब जैसे आ गया हमारा एपोम, ऐसी एपोम पर क्लिक करिए, 160। बाकी और एपोम पकड़ के उन्हें रिलीज़ करेंगे, एक एपोम से हमें 5 शार्ड्स मिलते हैं, एक पोकेमोन रिलीज़ करने से कितने, 5 शार्ड, ठीक है। यानी कि 160 40 यानी 200 यानी कि 90, यानी कि हमें 5 या फिर 3-4 एपोम पकड़ने होंगे। वैसे अब 9 टेल्स 25 वन फिक्स है, इससे 2.5 की एक्सपीरियंस बढ़ेगा केवल, वही अगर ये 500 हो जाएगा तो इसकी स्टार लेवल 3 हो जाएगी। तो दोस्तों ये हमारी वीडियो थी स्टार लेवल के ऊपर, आपको बहुत ही, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, और अगर मेरी आवाज़ से कुछ प्रॉब्लम हुई हो तो माफ़ करना। और अगली जो वीडियो होगी हमारी होगी चैलेंज द मन्यून जिम, हम मन्यून जिम के जिम लीडर को चैलेंज करने जा रहे हैं, वो हमारा तीसरा जिम लीडर होगा। हमने बाकी 2 जिम लीडर को हरा दिए हैं और उनसे हमने 2 बैचेस कलेक्ट करे हैं, एक जेफायर बैच और एक हमने कलेक्ट करा है हाइव बैच। इनकी भी लेवल हमें बढ़ानी होती है, जैसे कि ये सब हो गया, इनसे ये फायर होता है करंट इफेक्ट 83 HP 2 स्पेशल अटैक इंक्रीजेस और इंक्रीज, ये सब बढ़ते हैं इससे। जैसे कि अभी मैं लेवल अप कर देता हूँ इसकी, इससे लेवल अप हो गया, लेवल 2 का हो गया इसका, ये सब देखिए बढ़ गया, आपने देखा। उससे हमारी वो वियर करेंगे तो जितना इसका ये होगा ना, वो हमारी पावर प्लस हो जाएगी उसमें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वो वीडियो में, गुड बाय।